एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय माता की। आपका हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट में स्वागत है और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे वास्तु के और ज्योतिष के बारे में, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है उसके घरेलू जो उपाय होते हैं, टिप्स आपको बताएंगे, ताकि आपके जीवन की जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सके। तो आज हम वार्तालाप जो हम करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं धनतेरस पे। हमें धनतेरस का जो पूजा विधि है वो कैसे करनी चाहिए, हमें कौन कौन से सामान है वो मार्केट से लाने चाहिए, कौन सी वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए और कैसे अपना भाग्य को उदय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें मार्केट से कौन सी सामान लाना चाहिए। सबसे पहले जो खरीदना है हमें जो धनतेरस के दिन, वो जो पीतल के बर्तन हो सकते हैं या चांदी के बर्तन हो सकते हैं, या चांदी का जो सिक्का है वो हम खरीदते हैं उनको ला सकते हैं। और एक जो विशेष जो इसमें आपको लानी चाहिए, एक झाड़ू लानी चाहिए, नई झाड़ू, जो भी कोई पतली ना हो, बिल्कुल मोटी झाड़ू हो, और जो भी फूल झाड़ू या तिलों की झाड़ू जो भी आप यूज करते हैं घर पर उसको लेके आए। और वो जो झाड़ू लेके आते हैं उसको शाम को उसको तिलक कीजिए। जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो वहाँ पे पूजा कीजिए। घर के बाहर जो आपको स्वास्थ्य का निशान बनाइए, स्वास्थ्य के निशान बनाने से जो है भगवान धन कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। घर के बाहर मेन गेट पे स्वास्थ्य का निशान जरूर बनाएं। उसके बाद में स्वास्तिक महाराज की जो चित्र है, लाल एक कपड़ा बिछाएं, उस पर रोली मोली अधिक दीजिए, और जो भी पूजा पाठ सामग्री से भगवान कुबेर पे घी का दीपक जलाएं, उनके मंत्रोच्चारण कीजिए। इसमें ओम कुबेराय नमः के मंत्रोच्चारण होते वो कीजिए, माँ लक्ष्मी के भी मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, और एक धन्वंतरी के मंत्रोच्चारण है वो भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जब हम ये क्रिया करेंगे और झाड़ू का पूजन करें, झाड़ू पे तिलक लगाएं, जो नए बर्तन घर पे लेके आए हैं, चांदी के हों, पीतल के हों, या आप स्टील के भी आते हैं, स्टील के भी हों, कोई भी बर्तन हो जो शुभ होते हैं, वो पीतल के अवश्य लेके आए, एक पीतल की चाहे कटोरी ही लेके आए, तो वो शुभ होंगे। और शुभ से जो उसकी पूजन में उनको रखिए, पूजन में उनको तिलक कीजिए। जो झाड़ू है वो आप पूजन के पास में, जैसे पूजन करते हैं वहाँ पे पास में रखिए, उनको तिलक कीजिए, उनकी मौली बांधिए, और या फिर उस झाड़ू को आप कोई भी पलंग के नीचे या बेड के नीचे रख दीजिए, उनके पैर न लगने दीजिए। जो पुरानी झाड़ू है उसका भी आप तिलक कीजिए, उनके भी आप रोली और मौली कीजिए, और कभी भी झाड़ू के पाँव मत लगाएं, पैर मत लगाएं, क्योंकि इससे जो लक्ष्मी माता है वो नाराज होती है, जो प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार की हम आपको अलग अलग जानकारियाँ धनतेरस से दीपावली पे किस प्रकार से पूजा करें इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको नई नई वास्तु और ज्योतिष के बारे में या पूजा पाठ के बारे में, जो व्रत त्यौहार के बारे में नई नई चीज़ों का आपको बताते रहेंगे। जय माता की। आपका दिन शुभ रहे।